सुंदर वर्सेस काली बीवी। अरे ओ सुशीला, सुशीला कहाँ हो तुम? अरे वाह, आज आप इतनी जल्दी घर आ गए। हाँ, वो आज हाफ डे था, मैंने सोचा कि आज सैलरी मिलेगी, लेकिन आज नहीं मिली, इसलिए मैं सब्जियाँ भी नहीं खरीद कर ला पाया। अरे कोई बात नहीं, मैं कुछ न कुछ जरूर बना दूंगी, इसलिए तुम जब तक हाथ मुँह धो लो, मैं अभी कुछ बना कर लाती हूँ, ठीक है? तभी सुशीला खाना बना कर लाती है और कमल को दे देती है। अरे वाह, ये सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है, क्या है ये? अरे आपको सच में ये पसंद आया? वो आप जो कल तोरी की सब्जी लाए थे ना, ये मैंने उसी के छिलकों से बनाया है। अरे क्या बात है, तोरी के छिलके की इतनी बढ़िया सब्जी बन गई और मेरे पैसे भी बच गए, क्या बात है, डबल फायदा। हाँ, और अब आप पेट भर कर खाना खाइए। तभी जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी उसके दरवाजे पर उसका बड़ा भाई किशोर आता है। अरे भैया आप आइए ना, और आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही तुमसे मिलने आ गया, बहुत दिन हो गए थे ना तुमसे मिले, इसलिए सोचा आज मिलकर आता हूँ। अच्छा किया भैया जो आप आ गए, आइए बैठिए ना। तभी कमल थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि अब वो अपने बड़े भाई को क्या खिलाएगा, क्योंकि उसके घर में तो बनाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तभी वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे अब क्या करेंगे, अब हम भैया को क्या खिलाएंगे, घर में तो बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अरे आप परेशान मत होइए, मेरे पास इसका भी एक तरकीब है, वो जो आप उस दिन आलू लाए थे ना, मैंने उसके छिलकों को संभाल कर रख लिया था, इसलिए आज मैं उसी के पकोड़े बनाऊंगी। आलू के छिलके के पकोड़े, क्या वो खाने लायक होंगे? अरे उसकी चिंता आप मत करिए, आप बस भैया के पास जाकर बैठिए। अच्छा ठीक है। तभी सुशीला उन आलू के छिलकों से पकोड़े बनाकर किशोर को देने जाती है। ये लीजिए भैया, आपके लिए स्पेशल गर्मा गर्म पकोड़े, खाकर बताइए कैसे बने हैं। अरे वाह सुशीला, कितने स्वादिष्ट पकोड़े बनाए हैं तुमने, सच में कमल तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें ऐसी बीवी मिली है। अरे भैया आप तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं मेरी। अरे ज्यादा नहीं, जो सच है वही बोल रहा हूँ। तभी कुछ देर बाद कमल किराने की दुकान पर राशन लेने जाता है। अरे भैया थोड़ा राशन का सामान दे दो और उसे खाते में लिख लेना, मैं आपको अगले हफ्ते दे दूंगा। अच्छा ठीक है। तभी कमल को एक लड़की आवाज लगाती है जिसका नाम सोनाली होता है, और वो कमल के साथ उसके कॉलेज में ही पढ़ा करती थी, और उस समय में इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी थी। अरे कमल तुम यहाँ? अरे सोनाली तुम यहाँ कैसे और कब आई यहाँ? बस आज ही आई हूँ किसी काम के सिलसिले में। और तुम के इसी शहर में रहते हो? हाँ बस यही पास में ही मेरा घर है। और तुम बताओ तुम कहाँ रहती हो? कहीं नहीं रहती, लेकिन अब सोच रही हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहूँगी। मेरे साथ मतलब? अरे मतलब क्या, इतने दिनों के बाद मैं तुमसे मिली हूँ, तो क्या तुम मुझे कहीं और थोड़ी ना रहने दोगे, क्योंकि हम दोनों के बीच में कितनी अच्छी दोस्ती थी ना। अरे हाँ हाँ, लेकिन वो सब तो पहले की बात थी, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है ना? हाँ शादी तो हुई थी, लेकिन अब डिवोर्स हो गया है। क्या डिवोर्स, पर कब हुआ ये सब? अरे वाह क्या बात है, तुम्हें मेरे बारे में जानने में बड़ी दिलचस्पी हो रही है। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन देखो ना मैं आज ही इस शहर में आई हूँ, और मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है, तो क्या तुम मुझे अपने घर पर रहने दोगी? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरी अब शादी हो चुकी है और घर पर मेरी बीवी है। अरे तो कोई बात नहीं, तुम उसे डिवोर्स दे दो, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? तभी कमल सोनाली को लेकर अपने घर जाता है और अपनी बीवी सुशीला से कहता है। अरे सुशीला ये है सोनाली, ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है। ओ अच्छा आइए ना। तभी सुशीला उसे कमरे में ले जाती है, और कमरे की हालत देखकर सोनाली कहती है, हे भगवान यहाँ कितनी गर्मी हो रही है। सुनो कमल क्या तुम्हारे घर में एसी नहीं है? नहीं मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ। अरे हाँ वो तो मैं तुम्हारी बीवी को देखकर ही समझ गई थी। चलो छोड़ो, सुनो तुम मुझे एक गिलास पानी लाकर देना, पर मुझे फ्रिज का ठंडा पानी ही लाकर देना, ओके? फ्रिज, लेकिन हमारे घर। ओ हो समझ गई। चलो छोड़ो तुम मुझे वो क्या कहते हैं, हाँ मटके से ही लाकर दे दो।
तभी सुशीला उदास होकर पानी लेने चली जाती है और तभी वहाँ पर कमल आता है और उसे कहता है, अरे सुनो, आज से सोनाली हमारे साथ हमारे ही घर पर रहेगी। वो क्या है ना, वो इस शहर में नहीं है, तो इसलिए आज से वो हमारे साथ रहेगी। नहीं नहीं, आपकी वो दोस्त बहुत ज्यादा घमंडी है, वो हमारे साथ कैसे रह सकती है। नहीं, आप उसको यहाँ से जाने के लिए बोल दो। अरे लेकिन मैंने उससे वादा किया है। अरे आपने मुझसे बिना पूछे उसे यहाँ रहने के लिए हाँ कैसे बोल दिया, ये घर तो मेरा भी है ना। देखो ये घर मेरा है और मैं यहाँ किसी को भी ला सकता हूँ, और अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है तो यहाँ से जा सकती हो। जी आप क्या कह रहे हो, अब ऐसे घमंडी लड़की के लिए मुझे घर से जाने के लिए बोल रहे हो। ठीक है तो मैं भी जंगल में रह लूंगी, पर यहाँ लौट कर कभी नहीं आऊंगी। ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, सोनाली है ना वो मेरा ख्याल रख लेगी। तभी वहाँ से सुशीला दुखी होकर जंगल की तरफ चली जाती है और वहाँ शाम को खाने के टाइम पर सोनाली अपना मेकअप कर रही होती है कि तभी कमल आकर उससे पूछता है, सोनाली आज खाने में क्या बनाऊंगी। खाना बनाऊं? क्या तुम उससे मजाक कर रहे हो, मैं इतनी सुंदर हूँ और तुम चाहते हो कि मैं जाकर खाना बनाऊं ताकि तुम्हारी बीवी के जैसे काली हो जाऊं। अरे फिर खाना कैसे खाएंगे। अरे खाना हम ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। अरे पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे नहीं पता, मैं तो बस ऑनलाइन खाना मंगवा रही हूँ। तभी ऐसा कहकर सोनाली ऑनलाइन खाना मंगवा लेती है और बेचारे कमल को जैसे तैसे उसके पैसे भरने पड़ते हैं। और सोनाली रोज ऐसे ही किसी न किसी चीज के लिए कमल को मजबूर किया करती थी और कमल रोज उसकी बातों में आ जाता था, जिस वजह से वो काम पर भी नहीं जा पा रहा था। तभी एक दिन उसके बॉस का फोन आता है। सुनो कमल, अगर तुम कल काम पर नहीं आए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अरे नहीं नहीं सर, मैं कल जरूर आऊंगा। तभी कमल बहुत परेशान हो जाता है कि कहीं उसकी नौकरी ना छूट जाए, कि तभी सोनाली वहाँ पर आकर कमल पर चिल्लाने लगती है। सुनो, आज तुम्हारी वजह से मेरा फेशियल नहीं हो पाया, इसलिए कल सबसे पहले हम वहीं चलेंगे। मेरे पास अब तुम्हारे इन फालतू कामों के लिए पैसे नहीं हैं। तभी सोनाली गुस्से में कहती है, पैसे नहीं है तो कहीं से लेकर आओ, सुंदर बीवी ऐसी ही नहीं मिल जाती, उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और तुम क्या मुझे यहाँ पर खाना बनाने के लिए लेकर आए हो, मैं तुम्हारी वो काली बीवी जैसी नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए चुपचाप से खाना बनाते रहूँगी। तभी सोनाली की बातें सुनकर कमल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है, तुम एक मतलबी और लालची लड़की हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, सिर्फ चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, मन भी सुंदर होना चाहिए, ये बात मुझे पहले ही समझ जानी चाहिए थी, इसलिए तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और मेरे घर से अभी निकल जाओ। मैंने तुम्हारे लिए अपनी बीवी को घर से निकाल दिया, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी तुम्हारे जैसे फर्टीचर के साथ नहीं रहना। तभी ये कहकर सोनाली वहाँ से चली जाती है और वहाँ कमल सुशीला को इधर उधर ढूंढने लगता है और वो उसे ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ चला जाता है, जहाँ सुशीला एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही होती है। और तभी कमल उसके पास जाता है और उससे कहता है, सुशीला मुझे माफ कर दो, मुझे समझ में आ गया है कि सिर्फ चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता है, इंसान का मन सुंदर होना चाहिए, और जिसका मन सुंदर होता है वो तो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान होता है, और वो तुम हो सुशीला, इसलिए तुम प्लीज मेरे साथ घर चलो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। तभी सुशीला कमल को माफ कर देती है और उसके साथ अपने घर चली जाती है और अब वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाते हैं। एक समय पहले की बात है, जौनपुर राज्य में राजा महेंद्र प्रताप राज किया करते थे और उनके रानी सुमित्रा ने दो राजकुमारियों को जन्म दिया और दोनों राजकुमारियां जुड़वा थी और राजा ने उन दोनों के नाम सुनैना और नैना रखा और सब कुछ खुशी से चल रहा था। तभी एक दिन राजा अपनी दोनों बेटियों के साथ मेले में घूमने जाते हैं कि तभी सुनैना राजा का हाथ छुड़ाकर खिलौने वाले के पीछे जाने लगती है और खिलौने वाले के पीछे चलते चलते सुनैना इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो रास्ता ही भूल जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। और वहीं राजा भी सुनैना को बहुत ढूंढते हैं पर वो कहीं नहीं मिलती है। फिर राजा उदास होकर अपने महल वापस आ जाते हैं। तभी रानी सुमित्रा महाराज के संग सुनैना को ना आता देख उनसे बोलती है,
अरे महाराज, सुनैना कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रही। तभी राजा ने दुखी मन से कहा, रानी पता नहीं कैसे सुनैना हमारे साथ ही थी, लेकिन अचानक हमारा हाथ छुड़वाकर ना जाने कहाँ चली गई, और हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। महाराज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, और आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? पता नहीं हमारी राजकुमारी कहाँ होगी और किस हाल में होगी, मुझे नहीं पता। महाराज आप मेरी राजकुमारी को ढूंढ कर लाइए। रानी हमने अपने सैनिकों को बोल दिया है कि वो राज्य का चप्पा चप्पा छान मारे, और तुम देखना हमारी राजकुमारी हमें जरूर मिल जाएगी। और वही सुनैना कंचन नाम की औरत को मिल जाती है। तभी कंचन उसे रोता हुआ देख अपने मन में सोचती है, लगता है शायद ये लड़की खो गई है, चलो मैं इसे अपने साथ अपने घर ले चलती हूँ, और ये लड़की मेरे बहुत काम आ सकती है। तभी कंचन सुनैना के पास जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? मैं खो गई हूँ और मुझे मेरे घर जाना है। तुम रो मत बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ, आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलती हूँ। तभी कंचन सुनैना को अपने घर ले आती है, लेकिन कंचन एक बहुत ही लालची और स्वार्थी औरत थी, और वे सुनैना को ये सोचकर अपने घर लेकर आई थी कि वो उसे बेचकर पैसे कमा पाए। कि तभी वो हीरा नाम के एक आदमी को फोन करती है और उससे कहती है, हेलो हीरा, मुझे एक लड़की मिली है और देखने में तो बहुत अमीर लगती है और बहुत ही ज्यादा सुंदर भी है, और अगर हम इसे बेचेंगे तो हमें इसके अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन कंचन हमने अभी पुलिस की वजह से अपना काम बंद कर रखा है। लेकिन जब तक मैं इस लड़की का क्या करूं? अरे मुझे क्या पता, और दोबारा यहाँ फोन करने की जरूरत नहीं है। कि तभी उसके बाद फोन कट जाता है, और वहाँ सुनैना जोर जोर से रोने लगती है, और सुनैना को रोता देख कंचन को और भी गुस्सा आ जाता है, और वो उससे कहती है, अरे ओ लड़की अपना रोना बंद कर, तेरी वजह से मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, और ज्यादा दिमाग खराब मत कर, और जिस काम के लिए मैं तुझे यहाँ लाई थी वो तो हुआ नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अब से तू मेरे लिए भीख मांगेगी और घर का भी सारा काम करेगी, समझी? और ऐसे ही कई साल बीत गए, और अब दोनों राजकुमारियां बड़ी हो गई थी। इन दोनों की परवरिश अलग अलग तरीके से हो रही थी, जहाँ राजकुमारी नैना महल में ऐशोराम की जिंदगी जी रही थी, और वही राजकुमारी सुनैना एक छोटी सी झोपड़ी में कंचन के अत्याचार और तानों से भरी जिंदगी जी रही थी। और सुनैना सारा दिन भीख मांगती और रात को घर आकर सारा घर का काम करती, और इतना सब कुछ करने के बाद भी कंचन उस पर जरा भी रहम नहीं खाती, और उसे कोई ना कोई बहाने से उसे ताने देती ही रहती। अरे ओ सुनैना, आज इतना कम भीख मांग कर क्यों लाई है? लगता है तेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, इससे अच्छा तो भीख तो कल लेकर आई थी। नहीं नहीं माँ, कल से ज्यादा तो मैं आज भीख मांग कर लाई हूँ, और आप ये कैसी बातें कर रही हो? अच्छा तो अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझसे जुबान लड़ा रही है? जब मैंने एक बार कह दिया कि तू आज से ज्यादा कल भीख मांग कर लाई थी, तो तू क्यों मुझसे बहस किए जा रही है? लगता है अब तू कुछ ज्यादा ही निडर हो रही है, रुक अभी बताती हूँ तुझे। इसके बाद कंचन सुनैना को बहुत मारती है, और सुनैना का सर फूट जाता है और खून निकलने लगता है, और सुनैना जख्मी हालत में रोते हुए वहीं पर सो जाती है। तभी अगले दिन वो फिर से भीख मांगने के लिए जाती है और कहती है, भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए, मैंने पिछले दो दिनों से कुछ नहीं खाया है, कृपया कर मुझ पर कुछ रहम खाइए, माता जी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। तभी गांव वाले सुनैना पर तरस खाकर उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे दे दिया करते थे, और सुनैना उन पैसों को लेकर अपने घर आ जाती और कंचन को दे देती। माँ आज तो मैं पैसे ज्यादा लेकर आई हूँ ना? तो क्या हुआ, आज थोड़े से ज्यादा पैसे क्या लेकर आ गई है? मैं तेरी आरती उतारूं? और अब चल जा, घर में पानी नहीं है, जल्दी से जाकर पानी भर कर ला, और एक बात और सुन, 10 मिनट में घर वापस आ जाइयो, और अगर घर वापस नहीं आए तो तू तो मुझे अच्छे से जानती ही है कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। तभी सुनैना पानी भरने के लिए कुएं के पास जाती है, और वो पानी भरकर घर वापस आ ही रही होती है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है, और वो जमीन पर गिर जाती है, और उसका मटका टूट जाता है,
और ये देखकर सुनैना बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अम्मा तो मुझे नहीं छोड़ेगी अगर मैं बिना पानी लिए घर गई तो। इसके बाद सुनैना एक तालाब के पास बैठकर रोने लग जाती है और वहीं पर नैना अपनी कुछ सहेलियों के साथ खेल रही होती है कि तभी नैना की एक दोस्त अंजना सुनैना को इस तरह रोता देखकर अपनी सहेली नैना से कहती है, अरे नैना, ये तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती है। तुम सही कह रही हो अंजना, लेकिन वो इस तरह रो क्यों रही है? चलो उसके पास जाकर उससे पूछती है। तभी नैना सुनैना के पास गई और सुनैना भी नैना को देखकर हैरान हो गई और उससे कहा, अरे तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो। हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती हूँ और मेरा नाम राजकुमारी नैना है, लेकिन तुम इस तरह रो क्यों रही हो? इसके बाद सुनैना नैना को सारी बात बताती है। अगर मैं पानी लेकर घर नहीं गई तो माँ मुझे बहुत मारेगी। और उसकी ऐसी बातें सुनकर नैना हैरान हो जाती है और उससे बोलती है, लेकिन वो तुम्हारी माँ है, अगर तुमसे गलती से मटका टूट गया तो क्या हुआ? वो तुम्हें मार थोड़ी ना सकती है। मैंने भी तो अपने महल में काफी महंगे महंगे सामान तोड़े हैं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे मारना तो दूर, मुझे डांटा तक नहीं है। पता नहीं मेरी माँ मेरे साथ ऐसे क्यों करती है। मैं अपनी माँ के प्यार के लिए हमेशा तड़पती रहती हूँ, लेकिन वो मुझे कभी प्यार से बोलती ही नहीं है। तभी राजकुमारी नैना सुनैना की ये बात सुनकर एक तरकीब सोचती है और वो अपने सिपाही से कहकर कुछ सामान मंगवाती है और थोड़ी देर में वो सिपाही सामान लेकर आ जाता है। और तभी राजकुमारी नैना कहती है, ये लो सुनैना, ये मेरी फ्रॉक और सैंडल है और इसे पहनकर तुम राजमहल चली जाओ और मैं तुम्हारे घर चली जाती हूँ। पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तो जानती तक नहीं हूँ और तुम मेरी माँ को नहीं जानती, वो बहुत बुरी औरत है। पता नहीं, पर मुझे तुम्हारी मदद करके अच्छा लग रहा है और जहाँ तक तुम्हारी माँ की बात है तो मैं उन्हें संभाल लूंगी, इसलिए अब तुम ये फ्रॉक और सैंडल पहनकर महल चली जाओ। फिर वो दोनों एक दूसरे से अदला बदली करके राजकुमारी नैना सुनैना के घर चली जाती है और सुनैना वापस महल में चली जाती है। राजकुमारी नैना को इतने अच्छे कपड़े में देखकर कंचन कहती है, अरे तेरे पास इतने अच्छे कपड़े कहाँ से आए और तू पानी भरकर क्यों नहीं लाई? वो मेरा मन नहीं कर रहा था इसलिए मैं पानी भरकर नहीं लाई। अच्छा, तेरा मन नहीं कर रहा था, लगता है बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है तुझमें। रुक, अभी तेरी सारी हिम्मत तोड़ देती हूँ। इतना कहकर कंचन राजकुमारी नैना को मारने के लिए आगे बढ़ती है और तभी राजकुमारी नैना उसका हाथ मोड़ देती है और उससे कहती है, अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। मुझे कोई बेचारी लड़की मत समझना जो तुम्हारे अत्याचार को बर्दाश्त करेगी, इसलिए अब जाओ और मेरे लिए खाना बना कर लाओ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तभी कंचन बिना कुछ बोले डरते हुए खाना बनाने के लिए चली जाती है और दूसरी तरफ सुनैना को आता देख रानी सुमित्रा ने कहा, मेरी प्यारी बेटी नैना, तुम घर वापस आ गई, चलो मैं तुम्हें आज अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। ये सुनकर सुनैना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है, काश जैसे नैना की माँ मुझसे बोल रही है वैसे ही मेरी माँ भी मुझसे बोलती तो कितना अच्छा होता ना। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और दोनों बहुत अच्छे से रह रही थी और राजकुमारी नैना से कंचन डर कर रहती थी। वो जैसे सुनैना को परेशान किया करती थी अब वो वैसे नहीं करती थी। और दूसरी तरफ सुनैना को सारे ऐशो आराम और माँ का प्यार मिलने पर भी उसे ये सब गलत लग रहा था। अरे मैं ये क्या कर रही हूँ, भला मैं ऐसे किसी और की जिंदगी कैसे जी सकती हूँ, इसलिए मुझे नैना की माँ को सारी बात बतानी होगी। तभी सुनैना रानी सुमित्रा के पास जाती है और उन्हें सारी सच्चाई बता देती है और सुनैना की ये सारी बातें सुनकर रानी सुमित्रा हैरान हो जाती है और उससे कहती है, तुम ये कैसी बातें कर रही हो और मेरी बेटी नैना कहाँ है, मुझे अभी उसके पास लेकर चलो। और तभी सुनैना रानी सुमित्रा और राजा महेंद्र प्रताप को अपने घर ले जाती है और तीनों को आता हुआ देख राजकुमारी कहती है, अरे माँ, आपको सब कुछ पता चल गया, मुझे माफ कर दीजिएगा माँ, मैं तो बस सुनैना को थोड़ी सी खुशी देना चाहती थी। और माँ, आपको नहीं पता कि सुनैना की माँ उस पर कितना अत्याचार करती है और ये तो मुझ पर भी करना चाहती थी, लेकिन मैंने इसे सबक सिखाया। नैना बेटी, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है और अगर तुम इस तरह अदला बदली करके यहाँ पर नहीं आती तो हमें हमारी बेटी सुनैना कभी नहीं मिल पाती। हाँ नैना,
सुनैना तुम्हारी ही बहन है। क्या आप सच कह रही हो माँ? सुनैना मेरी बहन है? हाँ बेटी, बचपन में सुनैना हमसे बिछड़ गई थी और हमने इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये हमें कहीं नहीं मिली। लेकिन आज तुम्हारी वजह से हमें हमारी दूसरी बेटी भी मिल गई। तभी राजा महेंद्र ने गुस्से में अंजना से कहा, तुमने हमारी बेटी सुनैना पर जितने भी जुल्म और अत्याचार किए हैं, उसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। सैनिकों, ले जाओ इस औरत को और डाल दो काल कोठरी में। इतने में सुनैना कहती है, पिताजी भले ही आप दोनों मेरे माता पिता हो, लेकिन बचपन से ही कंचन माँ ने मुझे पाला है और ये जैसे भी है तो मेरी माँ ना, इसलिए प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। तभी सुनैना की ये सारी बातें सुनकर कंचन जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, सुनैना बेटी, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी तुम मुझे बचा रही हो। मैं तो तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बेटी मुझे माफ कर दो। तभी सुनैना कंचन को माफ कर देती है और राजा रानी सुनैना और कंचन को महल लेकर आ जाते हैं। और अब दोनों माओं का प्यार पाकर राजकुमारी सुनैना बहुत ही खुश थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।